हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का वीएनएम केमिस्ट्री में। तो बेसिकली हम लोग बच्चों, आप लोगों का बहुत कमेंट आया कि बेसिकली आप लोग बहुत बोले भी, मतलब कि अब थोड़ा फिजिकल हो जाए। तो फिजिकल में सोल्यूशन ही है, सॉलिड स्टेट तो निकाल चुका है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सोल्यूशन के ऊपर, सोल्यूशन को हम लोग रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। बेसिकली ये है कि वन शॉट में नहीं बना सकता, वन शॉट बनाने का मतलब कि उतना लोड नहीं हो पाएगा जिस चीज से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो इसलिए बेसिकली ये लिख लिख करके ही बनाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेसिकली धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे। और ऑर्गेनिक तो ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन जो कन्वर्जन चल रहा था वो चलते ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए तुम लोग शांति से बैठना, एकदम आराम से, बस चुपचाप सुनो। अगर कहीं डाउट होगा तो बाद में बात कर लेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे देखो, समझते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। जो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो तीन कंपोनेंट का। मतलब दो तीन कंपोनेंट अपने को लेना है, उसको क्या करेंगे, जब मिक्स करेंगे तो वो होमोजीनियसली मिक्स होगा, तो उसे सोल्यूशन बोलेंगे। सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। सोल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम वो सोल्यूट। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप में डिवाइड किया गया है सोल्यूशन को। एक गैसियस सोल्यूशन है, दूसरा लिक्विड सोल्यूशन है, तीसरा सॉलिड सोल्यूशन है। ये जो है ये फेज के बेसिस पे है, स्टेट के बेसिस पे है कि गैसियस लिक्विड सॉलिड। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। यहाँ पे सॉल्यूट होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, यहाँ पे एग्जांपल होगा। अब एक बात ध्यान दो, जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है तीन होते हैं, गैसियस लिक्विड सॉलिड, इतना क्लियर है। सॉल्यूट में क्या होंगे जरा ध्यान देना, अगर सॉल्यूट लेंगे तो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड में भी गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये सॉल्यूट है, ये तीनों कंडीशन में हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट को यूज करेंगे तो ये गैस होंगे, केवल गैस होंगे, केवल गैस होंगे। देखो सॉल्वेंट, इनमें तीनों में गैस, इस तीनों में लिक्विड, इन तीनों में सॉलिड। तो अब जरा देखना, अगर हम गैस और गैस को मिक्स करेंगे, तो जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को मिक्स करेंगे, तो ये हमारा क्या होता है, एक गैसीय सोल्यूशन बनकर के तैयार होता है। क्या होता है, गैसीय सोल्यूशन बनकर के तैयार होता है। अगर तुम लिक्विड और गैस को मिक्स करोगे तो तुम्हारा क्लोरोफॉर्म जो होगा वो नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स होगा, और मिक्स होकर गैसीय सोल्यूशन बनाएगा। आगे देखो, अब जरा सॉलिड और गैस को मिला दें। सॉलिड और गैस में क्या हो सकता है, कैम्फर यानी कपूर और नाइट्रोजन गैस को मिला देंगे, नाइट्रोजन गैस गैस हुआ, कैम्फर यानी कपूर अपना सॉलिड हो जाएगा। ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। गैस और लिक्विड को अगर हम मिलाएंगे, ये लिक्विड सोल्यूशन की बात किया जा रहा है, तो ऑक्सीजन को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये हमारा लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल होगा। अगर लिक्विड को लिक्विड मिला हो, जैसे लोग बहुत लोग क्या करते हैं, दारू पीते हैं, दारू में पानी मिला देते हैं, तो वही मैंने लिख दिया इथेनॉल डिजोल्विंग वाटर, मतलब इथेनॉल को वाटर में डिजोल्व कर देता। आगे चलते हैं, सॉलिड और लिक्विड मिलाते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, क्या होता है, सपोज दैट गर्मी के समय में क्या होता है कि बहुत ज्यादा धूप वगैरह लगता है, थोड़ा एनर्जी में कमी फील होता है, एनर्जी कम लगता है अपने को, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, पानी में घोलते हैं, उसको पीते हैं। तो ग्लूकोज सॉलिड हुआ, पानी लिक्विड हुआ, तो इसीलिए बेसिकली सॉलिड लिक्विड का सोल्यूशन हो गया, ग्लूकोज डिजोल्विंग वाटर। आगे चलते हैं, सॉलिड सोल्यूशन की बात करते हैं। सॉलिड सोल्यूशन में क्या होगा, गैस और सॉलिड को मिक्स करेंगे। जैसे हमारा हाइड्रोजन गैस है, वो पैलेडियम धातु के सरफेस पे चिपक जाता है, तो ये इसका एग्जांपल होगा। लिक्विड सॉलिड में क्या होगा, अमलगम बनता है। अमलगम मतलब जैसे अगर मरकरी है, मरकरी के साथ जिंक लगा दो, सोडियम लगा दो, तो ये सब अमलगम बना लेते हैं, एक टाइप का एलॉय होता है। लेकिन सॉलिड सॉलिड में मिलाएंगे तो जैसे कॉपर है, कॉपर गोल्ड का मिक्सचर हो जाएगा, ये भी हमारा एलॉय है। तो बेसिकली इस तरीके से सोल्यूशन के क्या है, ये टाइप्स है। तो इसको ध्यान देना, इसमें से कोई सा भी एग्जांपल अपने एग्जाम में आ सकता है। अब हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। उससे पहले तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। जब स्क्रीनशॉट ले दो तो उसे कॉपी में नोट कर लिया करो, ठीक है, ऐसे क्लैरिटी होगा। क्या तुम लोग क्यों नोट करोगे, तुम लोग नोट्स नहीं लिखे हो क्या, लिखे हो ना। हाँ, तो जब नोट्स तुम्हारे कंप्लीट, तुमको क्या लिखना है, इन लोगों के लिए मैंने बोला है, तुम लोग मत लिखो, ठीक है। तुम लोग का नोट्स कंप्लीट है, तुम लोग बस देखते रहो, चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारा भी रिविजन होता रहेगा, इसीलिए मैंने तुम लोगों का एक्स्ट्रा में बुला लिया, एक्स्ट्रा क्लास में। देखो ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं, शांति से बैठो। देखो कंसंट्रेशन टर्म, अब कंसंट्रेशन टर्म में पहले मैंने दो चीज डिफाइन किया है, इसके बाद और भी डिफाइन करेंगे। तो पहला है मास परसेंटेज, या इसी को परसेंटेज बाई मास कहते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से समझना, एकदम आसान है। हमारा सॉल्यूट लेना है, ग्राम में लेना है, यानी सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में होना चाहिए, और वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो उसका अमाउंट प्रेजेंट होगा, यानी जो हमारा सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में
होना चाहिए और 100 ग्राम सॉल्यूशन में, अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हैं तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग मास परसेंटेज या परसेंट बाय मास कहते हैं। अब मास परसेंटेज जो होता है सॉल्यूट का कैसे निकालते हैं, जरा फॉर्मूला समझो। सबसे पहले ऊपर सॉल्यूट का मास रखेंगे, फिर सॉल्यूशन का मास रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात और ध्यान रखना, सॉल्यूशन का मास कैसे निकलता है, सॉल्यूशन का मास निकालने का तरीका होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर तो सेम है, सॉल्यूट का मास रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देखो परसेंट बाय वॉल्यूम। अब परसेंट बाय वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करते हैं, जरा ध्यान से समझना। जो हम लोग वॉल्यूम लेंगे वो ml में लेंगे सॉल्यूट का, तो 100 ml का सॉल्यूशन होगा, 100 ml के सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा, मात्रा होगा ml में, उसी को बोलेंगे परसेंट बाय परसेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। अब यहां पर देखो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, यहां पर किसका था, मास था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मास के टर्म में डिफाइन कर रहे थे, तो यहाँ पर वॉल्यूम होगा सॉल्यूट का, फिर वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास जो है मतलब वॉल्यूम, उसको ऐड कर देंगे। इसमें मास ऐड कर रहे थे, इसमें वॉल्यूम ऐड करोगे, ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें डिफाइन किया जाता है, तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर निकलेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा गया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होगे। अब जरा ध्यान से समझना, देखो इस बार मैंने यहां पर क्या लिखा है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पहले हम लोगों ने मास परसेंट पढ़ा, फिर वॉल्यूम परसेंट पढ़ा, अब दोनों को ऐड करके चल दिए। तो जब दोनों को ऐड करके चलते हैं तो किस तरीके से चेंजेस होता है वो जरा ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या लिखा गया, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का जो मास है वो मास में ही, देखो यहाँ पर सॉल्यूट मास के टर्म में है, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। बस इतना करना है कि मतलब 100 ml सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मास प्रेजेंट होता है, जो सॉल्यूट का मास प्रेजेंट होता है उसी को मास बाय वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। फॉर्मूला परसेंट का साइन लगाओ, ऑफ सॉल्यूट मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों आ गया एक साथ, इसीलिए मैंने ऐसे यूज किया था, इनटू 100, और 100 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखो ppm क्या होता है, सबसे पहले ये समझो ppm का मतलब जब सॉल्यूशन में कोई चीज बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही थोड़ी मात्रा में जब प्रेजेंट होता है तब ppm का यूज करते हैं। ppm का पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन। जरा ध्यान से समझो, वेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज इट इज कन्वीनियंस टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन इन ppm। देखो मैंने लिखा है कि जो सॉल्यूट होता है जब बहुत ही कम क्वांटिटी, ट्रेस का मतलब होता है कम मात्रा में जब प्रेजेंट होगा तब इसका यूज करना है ppm का। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है, होता क्या है, देखो ppm का फॉर्मूला, पहले डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटीज ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट का जो क्वांटिटी होगा वो ग्राम में ही होना चाहिए, प्रेजेंट रहेगा 10^6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में, तो इसी को ppm बोलेंगे। पूरा नाम मैं फिर से बताता हूं, ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। आगे चलते हैं, तो यहां पर देखो ppm हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मास लिखोगे, फिर सॉल्यूशन का मास लिखोगे, 10^6 से मल्टीप्लाई करोगे, जब इतना करोगे तो ये ppm में चला जाएगा। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो मोल फ्रैक्शन आ गया, क्या आ गया, अगला कंसेंट्रेशन टर्म जो आ गया अपना मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल्स होता है उसका जो रेशियो का नंबर होता है, एक कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सबके, या एक तरीके से बोल सकते हैं जितने भी कंपोनेंट होते हैं सभी कंपोनेंट के लिए। एक खास बात और, ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए होता है, सॉल्यूशन बाइनरी भी होता है, टर्नरी भी होता है, टेट्रानरी भी होता है, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं। मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूट का और मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्वेंट का, इसका जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है, इसको याद रखना। एक खास बात और जरूरी सूचना, कई बार पूछ चुका है कि मोल फ्रैक्शन क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो इस बात को ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। आगे चलते हैं,
अब चलते हैं मोलैलिटी। अब देखो बेटा मोलैलिटी को किस तरीके से समझेंगे, ध्यान से समझना। मोलैलिटी जो होता है वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम क्या, हाँ अरे नहीं देखो मैटर ये है कि मतलब जैसे अभी तुम लोग भी समझ लोगे, समझने के बाद अब क्या होगा कि इसके बाद जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो तुमको भी आसानी होगा। हालांकि अब ऑर्गेनिक तुम लोग पढ़ रहे तो अब तो भूल चुके होगे ना बहुत सारी चीज, मतलब तो वो रिवाइज भी हो जाएगा तुम लोग को, फिर साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी लगा देंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक चलो। हाँ तो देखिए तो मोलैलिटी जो होता है इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट रहेगा उसमें जो सॉल्यूट का नंबर डिसॉल्व होगा उसे मोलैलिटी बोलेंगे, हिंदी में मोललता बोलते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला जरा ध्यान से समझना, पहली बात इसको रिप्रेजेंट स्मॉल एम से करते हैं और इसका जो यूनिट होता है मोलल होता है, मोलल होता है मोलल। अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट किसमें होगा, केजी में होगा, या इसको ऐसे लिख सकते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, कब ग्राम में होगा जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब, हाँ 1000 से। आगे देखो यहाँ पे जो कैपिटल डब्ल्यू, देखो मैंने यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू लिखा है, ये ध्यान देना यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू लिखा है, जो कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पे भी है ये ग्राम है किसका, सॉल्यूट का। ऑफ मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो स्मॉल एम और कैपिटल बी होगा। आर प्रेजेंट इन डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए में भी कैपिटल डब्ल्यू है, ये किसका होगा, ग्राम होगा सॉल्वेंट का। तो देखो इस तरीके से लिखेंगे स्मॉल एम इज इक्वल टू एन बी, एन बी क्या है, एन बी हमारा नंबर ऑफ मोल है, किसका मोल से, सॉल्यूट का मोल है। तो एन बी इंटू 1000 अपान में डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान में स्मॉल एम बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू ए। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला इसका बनेगा, तो इसलिए इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले ही लो। चलो उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखो समझते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो मोलैरिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, 1 liter सॉल्वेंट में या 1 liter हम लोग क्या लेंगे बेसिकली बेटा, सॉल्यूशन लेंगे, उसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या करते हैं लीटर में लेते हैं, तो 1 liter सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होता है उसी को मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है मोलैरिटी का, यूनिट इसका जो होता है ये होता है मोल लीटर इनवर्स, या फिर मोल डेसीमीटर -3 power में लिख देना। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, फिर उसके बाद इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फॉर्मूलों को अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया। देखो इफ डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी में कैपिटल डब्ल्यू है कैपिटल बी है ग्राम, लेकिन बी थोड़ा नीचे लिखना है सफिक्स में, मतलब थोड़ा नीचे लिखना है, ग्राम ऑफ द सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, यहां पर देखो स्मॉल एम है कैपिटल बी है, ये डिसॉल्व इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन फार्मूला क्या बनेगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू, देखो कैपिटल डब्ल्यू बी स्मॉल एम है, फिर बी लिखना इनटू वी लिख देना, वी हमारा वॉल्यूम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू स्मॉल एम बी इज इक्वल टू, देखो यहां पर कैपिटल डब्ल्यू दिख रहा है, फिर बी लिखना, फिर वी लिखना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ग्राम पर लीटर में रहेगा। इसके बाद इसी तरीके से मॉडिफाइड कर देंगे तो लास्ट में फाइनली फॉर्मूला कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू वी, ये वाला हमको याद रखना है। और एक जरूरी सूचना यानी जरूरी खास बात कि जो मोलैरिटी होता है ये डिपेंडेंट होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है बेटा, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जो मोलैरिटी होता है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है, मतलब अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर इन दोनों में से किसी को अगर बढ़ाते या घटाते हैं, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज कराते हैं, तो उस केस में अपना जो मोलैरिटी होता है वो बढ़ेगा घटेगा, यानी अफेक्ट होगा ही होगा, क्यों, मोलैरिटी हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म भी पूरा कंप्लीट हो चुका है क्या, हाँ तो वो अपने एनसीईआरटी में नहीं है ना, हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, समझे, हाँ ठीक है। तो बच्चों हम लोगों का ये अब कंप्लीट हो चुका है कंसंट्रेशन टर्म, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।